केंद्र सरकार ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को इस तरह से लचर कर दिया है कि इस तरीके के बड़े बड़े गैंग्स जिनके सरगना जेलों में बंद हैं, गुजरात सरकार की जेल में बंद हैं, वो सरगना कैसे इतने बड़े बड़े गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से पूछा जा रहा है। जिस कार शोरूम के अंदर 22 गोलियां चलाई गई, उनके बीवी बच्चे शोरूम में मौजूद थे जब हम गए, फ्रांस के राजदूत की जेब कट गई दिल्ली में। दिस मार्क्स अ थर्ड एंट्रेंट इनटू दिल्लीज माफिया डम व्हिच इज ऑलरेडी प्लेग्ड बाय लॉरेंस बिश्नोई एंड हिमांशु भाऊ गैंग्स। तो ये अंग्रेजी अखबार के पहले पन्ने की फ्रंट पेज की खबर है, दो दिन पहले, कि दिल्ली तो पहले ही परेशान थी, जहां आपने कभी नहीं सुने होंगे इतने इस तरीके के जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स मैंने आपको बताए, ये मुंबई जैसे इलाकों के अंदर सक्रिय हुआ करते थे, जिसके ऊपर कई अंडरवर्ल्ड की खबरें चला करती थी कि बॉलीवुड के लोगों से पैसे की वसूली की, बिल्डर से पैसों की वसूली की। गुलशन कुमार का मर्डर जो है उस दौरान 1990 के दशक में किया गया, और कई फिल्मी हस्तियों के मर्डर, फिरौती की कॉल, म्यूजिक डायरेक्टर्स को रंगदारी की कॉल, ये समय था मुंबई में कुछ दशकों पहले का। मगर आज दिल्ली के अंदर ये हालात कैसे हो गए, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को देना चाहिए। ये बिना सरकार के आशीर्वाद के, बिना सरकार के जानबूझ के किए गए ढीले ढाले कानून व्यवस्था के नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को इस तरह से लचर कर दिया है कि इस तरीके के बड़े बड़े गैंग्स जिनके सरगना जेलों में बंद हैं, गुजरात सरकार की जेल में बंद हैं, वो सरगना कैसे इतने बड़े बड़े गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से पूछा जा रहा है। इस तरीके से इतने बड़े बड़े गैंग्स का सक्रिय होना, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके पूछिए, लोग दहशत में इतना है, लोग इन गैंग्स का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लोग इनका नाम नहीं ले रहे हैं टेलीफोन पे, इतनी दहशत है लोगों के घर। जिस कार शोरूम के अंदर 22 गोलियां चलाई गई, उनके बीवी बच्चे शोरूम में मौजूद थे जब हम गए, मैं और राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक जी जब उस शोरूम में मिलने गए, तो जो वो 5 शोरूम के जो पार्टनर थे, उनके बीवी बच्चे बाप माँ शोरूम में मौजूद थे, क्योंकि वो इस दहशत में थे कि पता नहीं अब कहाँ गोलियां चल जाएं, और पुलिस को बार बार कहने पर भी उनकी सहायता नहीं दी जा रही। आज दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं, लोग कैसे घर से निकलें, कहाँ गोलियां चल जाएं, कहाँ चाकू चल जाएं, किसी को कुछ नहीं पता। और देखिए, सबसे बड़ा बट्टा एक और लगा, फ्रांस के राजदूत की जेब कट गई दिल्ली में, फ्रेंच एम्बेसडर्स फोन स्टोलन, और ये आप किसी भी दिल्ली की कॉलोनी में चले जाइए, आप ग्रेटर कैलाश में चले जाइए, आप पंचशील में चले जाइए, आप वसंत कुंज में चले जाइए, आप वसंत विहार में चले जाइए, आप द्वारका में चले जाइए, आप रोहिणी में चले जाइए, जो लेडीज फोन को हाथ में रख के मॉर्निंग वॉक करा करती थी, उन्होंने फोन को हाथ में रखना बंद कर दिया है। लेडीज अपने घर से बाहर मार्केट तक सोने की चेन पहन के नहीं जा रही है, क्योंकि चेन स्नैचिंग, फोन स्नैचिंग का तो ये हाल हो गया है कि लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करानी बंद कर दी है। क्यों कराएं, समय खराब होगा, थाने जाने में भी समय खराब होगा, क्यों करें वो भी। आप किसी भी कॉलोनी में सर्वे कर दीजिए, पूछ लीजिए कि पिछले एक साल में कितने लोगों के फोन और चेन स्नैच हुए हैं, आपको काफी सारे लोग मिल जाएंगे, और ज्यादातर लेडीज मिलेंगी उसके अंदर। क्या ये पुलिस की जानकारी के बिना हो रहा है? जब दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा है, लोग सीसीटीवी कैमरा की फोटो निकाल के भी दे देते हैं तो भी नहीं पकड़े जाते हैं। ऐसे ऐसे तो मैं अपने एरिया के अंदर ही बता रहा हूं आपको,
अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों ने सीसीटीवी कैमरा निकाल के दे दी फुटेज की, ये लोग हैं। अब वो आदमी तो कैसे ढूंढेगा, वो तो केंद्र सरकार की पुलिस को ढूंढना है, वो भी नहीं हो रहा है। ये तो राजदूत थे, फ्रांस के राजदूत थे, तो इनके लिए सीसीटीवी कैमरे ढूंढे गए, सीसीटीवी कैमरे में आदमी को ढूंढा गया तो उसको किया गया। मगर ये बहुत शर्मनाक है, जो फ्रांस के राजदूत हैं उन्होंने जब फ्रांस में बताया होगा तो हमारी क्या छवि बनी होगी पूरे के पूरे यूरोप के अंदर, कि यहाँ पे फ्रांस के राजदूत जो है वो इनका बाजार घूमने गए, उनका फ़ोन चोरी हो गया। और इस पे केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं आता, कोई बयान नहीं आता, कहते भाई ये तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही चलेगी, कोई जवाबदेही नहीं है। इनके सांसदों से पूछ लीजिए, वो हाथ उठा देते हैं, इनके मंत्रियों से पूछ लीजिए, वो हाथ ही नहीं आते हैं, इनके एलजी से पूछ लीजिए, वो तो हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं, सिवाय उनका जो काम है उनको वो ही नहीं आता, बाकी सब चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। पेड़ काटने की परमिशन कौन देगा नहीं पता उन्हें, मगर बाकी सब चीज़ के वो एक्सपर्ट हैं। तो कोई तो बताए दिल्ली वालों को, भाई आपसे अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, आप क्या दिल्ली चलाएंगे? आप तो बोलते हैं कि हम दिल्ली चलाएंगे, हमें दिल्ली वाले एक मौका दें। इसीलिए दिल्ली वालों ने इनको 27 साल से मौका नहीं दिया, क्योंकि जिस चीज़ का मौका दिया इनको, ना ट्रैफिक संभला इनसे, ना इनसे लॉ एंड ऑर्डर समझा, और ये बहुत शर्म की बात है।